आज का टॉपिक बड़ा क्रिटिकल है, विच इज स्प्लिट एसी इंस्टॉलेशन, उसकी टिप्स। तो ये ना, मैं आई एम नॉट अ एसी गाय, मैं कोई एसी का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरे को तो इंटीरियर्स अच्छा करना आता है, पर मुझे लगता है ये ना कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत सारे एयर कंडीशनर्स वाले सॉल्व नहीं करते, बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते और बहुत सारे क्लाइंट्स को भी पता नहीं होता। तो आउट ऑफ योर लव, मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप स्प्लिट एसी की इंस्टॉलेशन के बारे में कुछ बताएं, एंड आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो फॉर यू। हाय, मेरा नाम शशांक जैन है, वेलकम बैक टू माय चैनल वुडोफा। तो जब हम स्प्लिट एसी की बात करते हैं, इसमें दो ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। देखो, मैं आज इसमें एसी के टाइप्स नहीं बता रहा हूँ आपको, एसी के टाइप्स बहुत सारे हैं, चाहे वो विंडो हो, स्प्लिट हो, एचवैक हो, वीआरवी हो, बहुत सारे तरीके का है। प्लट अगर हम स्प्लिट एसी की बात करते हैं तो उसमें दो ही एलिमेंट आते हैं, एक आता है इंडोर यूनिट और एक आता है आउटडोर यूनिट। तो ये दो एलिमेंट्स को ही ध्यान देना होता है, इसके अपने इंसुलेशंस, इसके अपने कनेक्टर्स, इसकी अपनी वायरिंग होती है, पर एलिमेंट प्राइमरी फेसी दो ही हैं। तो आओ देखते हैं कि इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं कि जब आप एसी इंस्टॉल कराने वाले हो नए घर में, या हो सकता है पुराने घर में भी कर रहे हो, तो आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम स्प्लिट एसी की बात करते हैं, तो मैंने जैसे कि बताया दो यूनिट्स हैं, तो अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इन दोनों यूनिट्स को कहाँ पर होल्ड करना है। तो क्या इंडोर यूनिट की जो वॉल है या जो आउटडोर यूनिट की वॉल है, क्या वो उतनी स्टेबल और ड्यूरेबल है? कि ऐसा तो नहीं कि आपने कोई जिप्सम बोर्ड पे या कोई सस्ते पार्टीशन पे उसको टांग दिया। इंडोर यूनिट के फिर भी वेट कम होता है, तो आप उसको प्लाई की पैनलिंग पे या वुडन पैनलिंग पे अंदर हैंग कर सकते हो। वेयर एज आउटडोर यूनिट शुड ऑलवेज गो ऑन अ कंक्रीट वॉल, या तो हैंग हो बैल्कनी से, या कोई बैल्कनी की कंक्रीट वॉल पे हो, या आपने एक फॉल्स वॉल क्रिएट करी हो उसके ऊपर वो होल्ड कर रहा हो। तो ये दोनों की स्टेबिलिटी तभी आएगी जब इसकी प्लेसमेंट प्रॉपर होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एसी को इंस्टॉल करते वक्त ध्यान रखना है, इज द हाइट। तो कई बार क्या होता है कि जो फ्लोर है या फिर जो वॉल है या फिर जो सीलिंग है, तो उसकी और इंडोर यूनिट की ना हाइट में बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है। बहुत कई बार मैंने देखा है 2 mm, 3 mm, 5 mm, 10 mm तक भी लोग गैप में लगा देते हैं। आई ऑलवेज से थोड़ा गैप होना चाहिए जिससे कि उसके फ्लिप्स फ्लैप्स सही तरीके से खुल पाएँ, उसकी एयर का सर्कुलेशन ठीक तरीके से हो पाए। तो जब भी आप इंडोर यूनिट को इंस्टॉल कर रहे हो, तो एटलीस्ट ये सोच के चलना कि आपको 8 से 10 सेंटीमीटर का मिनिमम गैप तो रखना ही है फ्रॉम द सीलिंग। और जब आप फ्लोर की बात करो, तो फ्लोर के लिए आपको कम से कम जो हाइट रखनी चाहिए इसकी 7 to 8 feet तो होनी चाहिए। अगर मैंने देखा है कई बार लोग 5 feet, 6 feet, 6.5 feet में भी इंस्टॉल कर देते हैं, कुछ मजबूरी हो, स्पेस ही ना मिल पा रही हो तो बात अलग है, पर अदरवाइज आपको एम आउट करना चाहिए 7 to 8 feet का तो मिनिमम हाइट फ्रॉम द फ्लोर होना ही चाहिए इंडोर यूनिट को लगाने के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एंगल। तो कई बार मैंने देखा है कि जो स्प्लिट एसी लोग इंस्टॉल करते हैं ना इंटरनली घर के अंदर, तो एसी जो इंस्टॉल करने वाले लोग हैं उसको प्रॉपरली एंगल पे सेटअप ही नहीं करते हैं। तो ये ना बाय डिफॉल्ट आपको थोड़ा सा एंगल टिल्ट करना चाहिए एसी का जब आप अंदर घर में उसको इंस्टॉल करो एज एन इंडोर यूनिट। दो रीजंस हैं, एक तो हवा का फ्लो आपको स्मूथ मिलेगा, और पीछे ना एसी के पीछे आपको थोड़ा गैप मिलेगा उसकी एयर को रीव आउट करने के लिए, तो वो होना चाहिए। तो टिल्ट के बारे में, एंगल के बारे में ज़रूर अपने एसी वाले को बोलना कि वो थोड़ा सोचे और थोड़ा सा एंगल में भी 1 degree, 2 degree, 5 degree, 10 degree, डिपेंडिंग अपॉन उसका किस तरीके का सेटअप है, वो लगा सकता है। सो माई फोर्थ इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आउटडोर यूनिट की लोकेशन। ये अक्सर लोग गलती करते हैं और जो एसी वाला बोलता है उधर आप अपना एक आउटडोर यूनिट लगा देते हो। तो आपको ना यहाँ दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला ध्यान रहे कि आपका जो आउटडोर यूनिट का लोकेशन है वो ना डायरेक्ट सनलाइट या वाटर से दूर हो। मतलब हो सकता है कि डायरेक्ट सनलाइट या वाटर वहाँ ना पड़े तो वो अच्छा है, अगर वो पड़ रहा है तो थोड़ा टाइम बाद उस यूनिट को ख़राब कर देगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट की जो देखना है आउटडोर यूनिट के वक्त इज़ कि जो उसकी हीट निकल रही है तो क्या वो दीवार पे तो कनेक्ट नहीं कर रहा है, कि वो उसकी उतनी जगह ही नहीं है कि वो हीट डिसिपेट हो पाए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो बहुत सारे घरों में होती है कि जब आप आउटडोर यूनिट लगाते हो तो उसकी हीट ना उसी बॉक्स में या उसी छोटे से केबिन में फंस जाती है और आप सोचते हो अपने आप निकल जाएगी। सबसे ज़्यादा एसी ख़राब भी तभी होते हैं कि जब उसकी एयर, उसकी हीट निकल ना पाए। तो ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप आउटडोर यूनिट लगाओ कि उसकी हीट के लिए जगह होनी चाहिए। ये भी एक की पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस, कि जो इंडोर यूनिट है और जो आउटडोर यूनिट है इन दोनों का डिस्टेंस कितना ज़्यादा है या कितना कम है। अक्सर मैं बोलता हूँ कि इसका ना डिस्टेंस बहुत दूर मत रखो,
इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट का अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा ना, तो डेफिनेटली आपका कूलिंग लॉस होगा ही होगा। आप कितनी भी कोशिश करो, कितना भी अच्छी मशीनरी यूज करो, कितनी भी अच्छी गैस भरवाओ, कितनी भी अच्छी वायर यूज करो, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है इन द इंडस्ट्री इज 15 मीटर। तो मैं बोलता हूँ कि 15 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस अगर आपको रखना है, या तो कनेक्टर यूज करो या फिर 15 मीटर तक ही रखो। मे बी क्रिएट सम काइंड ऑफ स्पेसेस इन द हाउस कि वो शाफ्ट बन जाए, फ्रंट की बैल्कनीज, बैक बैल्कनीज, छत, सो एंड सो फोर्थ। बहुत सारे स्पेसेस बन सकते हैं इन दोनों के डिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए, पर कई बार ऐसा होता है कि आपके पास जगह ही नहीं है और आपको कनेक्टर यूज करना ही पड़ रहा है। तो आप एक अच्छी क्वालिटी का कनेक्टर यूज करें जो 15 मीटर के डिस्टेंस को कनेक्ट कर दे, क्योंकि जो रोल आता है ना ये भी 15 मीटर का ही आता है। तो आपको कनेक्टर यूज करना होगा उसकी स्पेस को, उसकी वायर को कनेक्ट करने के लिए। एक मेल फीमेल कनेक्टर होता है, उसे यूज कर लीजिए और उसके बेसिस पे इसके डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। कोशिश करो अवॉइड करने की, पर नहीं हो पाता है, मैंडेटरी करना ही पड़ रहा है, तो देन देयर इज नो अदर ऑप्शन, आपको करना ही पड़ेगा। फाइनल कमेंट फॉर दिस वीडियो इज कि जरूरी नहीं है एक अच्छा महंगा एसी ही आपका अच्छा काम करे, चाहे वो डाइकिन हो, हिताची हो, मित्सुबिशी हो या कोई और एसी भी हो। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यही प्रोडक्ट यूज करना है, मैं ये बोल रहा हूँ जो भी प्रोडक्ट यूज करो उसकी इंस्टॉलेशन, उसकी टाइप ठीक होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि वो ज्यादा कूलिंग दे, लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे, तो आपको ये 6-7-8 टिप्स जो मैं बता रहा हूँ इसका ध्यान रखना है। अपने एसी वाले को बोलना है कि भैया ये तो करना ही करना है, उसके बाद ही मैं एसी इंस्टॉल करने दूंगा। अगर ये आप ऐसा मैनेज कर लोगे, मॉनिटर कर लोगे, तो कभी भी आपको अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दिक्कत नहीं आएगी, गैस लीकेजेस कम होंगी, मेंटेनेंस इफेक्टिव हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें यूज़ करें और अपने एसी को प्रॉपरली इंस्टॉल करा लें। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। मैं एक एसी एक्सपर्ट नहीं हूँ एज मैंने पहले भी कहा था, पर मैं आपको एक बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ कि जो कि एक बेसिक कॉमन एलिमेंट है जो आप अपने घर में कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपने स्प्लिट एसी यूज़ किया कि विंडो एसी यूज़ किया।